हाल ही में टेलीग्राम ऐप के संस्थापक को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल टेलीग्राम पर कई आपराधिक गतिविधियों को सहारा मिल रहा था, जिसके चलते टेलीग्राम ऐप के संस्थापक को अब गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन एक सवाल कि क्या अब टेलीग्राम ऐप हर जगह से बंद हो जाएगा, तो आज हम आपको इसी बारे में जानकारी देंगे। लेकिन इससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल मोजो पत्रकार को, जिससे आपको और भी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका मोजो पत्रकार में। मैं हूँ आपके साथ उद्देश्य मंगल। आपको बता दें कि फ्रांस के न्यायाधीशों ने मैसेंजिंग ऐप टेलीग्राम के सीईओ पावेल ड्यूरो पर अपने प्लेटफॉर्म पर आपराधिक गतिविधियों को अनुमति देने के एक मामले में आरोप तय किए गए हैं। न्यायाधीशों ने पावेल को जमानत पर रिहा करने का आदेश तो दे दिया, लेकिन प्रारंभिक जांच जारी रहने तक फ्रांस छोड़ने पर रोक लगा दी। पावेल को शनिवार को ही पेरिस के बेग बॉर्गेट हवाई अड्डे के बाहर हिरासत में लिया गया था। चार दिन की पूछताछ के बाद पावेल को बुधवार को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जमानत मिल गई। गिरफ्तारी के बाद से ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्षधर और सत्तावादी सरकारें ड्यूरोव के बचाव में बोल रही है। इस मामले ने ऑनलाइन अवैध गतिविधि पर पुलिस की चुनौतियों और रूस में जमे ड्यूरोव की असामान्य जीवनी और कई पासपोर्ट की ओर भी ध्यान आकर्षित किया है। इस साल की शुरुआत में शुरू की गई व्यापक जांच के तहत ड्यूरोव को शनिवार को पेरिस के बाहर ले वॉर्गेट हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया था और चार दिनों तक पूछताछ करने के बाद बुधवार को रिहा किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पेरिस अभियोजक कार्यालय के एक बयान के अनुसार न्यायाधीशों ने पावेल ड्यूरो पर प्रारंभिक आरोप दायर किए और उन्हें 50 लाख यूरो की राशि पर जमानत कर रिहा करने का आदेश दिया। हालांकि जजों ने पावेल को सप्ताह में दो बार पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने और जांच में सहयोग देने का भी निर्देश दिया। आरोप है कि टेलीग्राम ऐप का इस्तेमाल बाल यौन शोषण सामग्री और मादक पदार्थों की तस्करी के लिए किया जा रहा है। टेलीग्राम प्रबंधन पर आरोप है कि उसने जांचकर्ताओं के साथ आरोपों से संबंधित दस्तावेज साझा करने से इनकार कर दिया और जांच में भी सहयोग नहीं किया। बता दें कि फ्रांसीसी कानून के तहत जजों द्वारा प्रारंभिक आरोप तय करने का मतलब है कि मजिस्ट्रेट के पास ये मानने का ठोस कारण है कि अपराध किया गया है, लेकिन अब आगे की जांच के लिए समय दिया गया है। वहीं ड्यूरोव के वकील ने कहा कि किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किए जा रहे अपराधों के लिए प्लेटफॉर्म के मालिक या प्लेटफॉर्म को आपराधिक कृत्यों में फंसाया जाना बेतुका है, बकवास है। फ्रांसीसी अधिकारियों ने बच्चों के खिलाफ अपराधों के अपराधियों के डाटा की जांच के लिए टेलीग्राम से मदद मांगी थी, लेकिन टेलीग्राम ने कथित तौर पर जांच में सहयोग से इनकार कर दिया, जिसके बाद फ्रांस की सरकार ने टेलीग्राम के खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू की थी। यानी सीधी सी बात यह है कि दुनिया के कुछ हिस्सों में अब टेलीग्राम ऐप शायद बंद हो सकता है, लेकिन अभी भारत में जाँच और कार्रवाई होना बाकी है। खैर, आपको ये जानकारी कैसी लगी, अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बने रहिए मोजो पत्रकार के साथ। नमस्कार।